बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, तमाम लोग मुतवज्जो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से आप लोग के हादसात वगैरह भी हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से स्टेटमेंट शाये की गई है, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर बहुत तेज़ किस्म की बारिशें होने जा रही हैं। जैसे ओमान की CAA की तरफ से पहले भी अलर्ट आया था कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर बारिशें होंगी ईद के मौका के ऊपर। तो वह पिछली ईद के ऊपर भी इस तरह का वाक़या हुआ था, जान से चले गए थे इस तरह के कुछ लोग जो कि दुबई से विजिट करने आए थे सलाला के अंदर खास तौर पर। और अभी भी यहाँ पर सलाला के अंदर कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में आई हुई है। तो अभी सिर्फ सलाला की बात नहीं हो रही, अभी बताया कि ओमान के दीगर हिस्सों के ऊपर हैवी रेंज हो सकती हैं। आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, आज भी निजवा के अंदर, बाला के अंदर, मुताबी, इबरी और भी दीगर मकामात के अंदर बहुत शदीद और बहुत ही खूबसूरत मजे की बारिश हुई है। लेकिन हैवी रेंज के हवाले से अभी ये अलर्ट आया। ये जो साथ में ओमान के महकमा मौसमियात की तरफ से एक पिक्चर शाया की गई है, रेड नुकते दिखाए गए, बताया जाता है यहाँ पर ज्यादा तेज बारिश हो सकती है। कहाँ पे हो सकती है आप लोग देख सकते हैं, दफार गोरमेंट, अलहजर और इसके आसपास के पहाड़, जहरा गोरमेंट, दाखिले गोरमेंट, शिरकिया के इलाके, बातना के इलाके, इन तमाम हिस्सों के ऊपर बताया जाता है कि बारिशें हो सकती हैं। मजीद बताया जाता है कि वक्तन फवक्तन ओमान का न्यूज़ पैनल देखना है, वादियों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा बहेगा, उसको बोर नहीं करना है और आप लोगों को खुद भी तैराकी वगैरह नहीं करनी है किसी पानी के अंदर, बच्चों को भी इस तरह के पानी वगैरह से दूर रखना है। तो जो रूल्स बताए जाते हैं उनको फॉलो करना है आप लोगों ने, और अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर का रहमत का मौसम रहे सल्तनत ओमान के अंदर। जो भी अपडेट्स आएगी फ़ौरन से पहले आप लोगों को देंगे। राव फजल अजीम के दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।